टेम्परेचर अगले 2-3 दिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, उसके बाद 4-5 तारीख को जाके 2-3 डिग्री कम हो जाएगा टेम्परेचर। बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर आता है वो भी काफी कम है, क्योंकि मेनली वेस्टर्ली टू नॉर्थ वेस्टर्ली जो विंड है वही अभी कंटिन्यू कर रहा है हमारा एरिया के ऊपर। मतलब ये विंड जो होता है ड्राई विंड होता है, जब बे ऑफ बंगाल से विंड आता है तो उसमें मॉइस्चर काफी बढ़ता है, तभी मॉइस्चर बहुत कम है, कोई सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए हीट वेव टाइप का कंडीशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। वार्निंग जो है अभी 1-2 तारीख का लिए सीवियर हीट वेव का वार्निंग साउथ बंगाल के लिए सभी के जिले के लिए ही रहेगा, सीवियर हीट वेव 1-2 तारीख। 3 तारीख को सीवियरिटी थोड़ा कम होगा, मेनली वेस्टर्न कुछ डिस्ट्रिक्ट में सीवियर हीट वेव का, बाकी जिला में हीट वेव का वार्निंग है 3 तारीख को। 4 तारीख को सीवियर हीट वेव का वार्निंग नहीं है, हीट वेव का वार्निंग है, मतलब सीवियरिटी थोड़ा कम होगा 4 तारीख को, लेकिन हीट वेव का वार्निंग कंटिन्यू हो रहा है 4 तारीख को भी। 5 को जाके जस्ट पश्चिमी कुछ जिले में हीट वेव का वार्निंग है। मैसेज यही है कि टेम्परेचर अगले 2-3 दिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, उसके बाद 4-5 तारीख को जाके 2-3 डिग्री कम हो जाएगा टेम्परेचर, और 6-7 तारीख को जाके और भी सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर ड्रॉप होगा, मतलब जो नॉर्मल है उसके आसपास चला आएगा अराउंड 7th, क्योंकि 6-7 तारीख के लिए बारिश का फोरकास्ट है साउथ बंगाल के सभी के जिले में।